नई भारत का नया सवेरा है, नई संसद, लोकतंत्र का मंदिर। आज भारत के लोगों को मिलने वाला है, आज वाकई बेहद ऐतिहासिक लम्हा है। बड़ी बात यह है कि इस नई संसद के साथ ही लोगों की नई उम्मीदें भी जुड़ गई हैं, क्योंकि ये नया सवेरा एक तरफ जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा तो अपने आप में बेहद खास होगा। जब जब इसका जिक्र होगा, इतिहास के पन्नों को जब जब अब पलटा जाएगा, तब तब बात जब इस नए संसद की होगी तो भारत की नई इबारत लिखने की भी बात होगी। ये नए भारत की नई इबारत लिखने की कहानी का एक बार फिर से आगाज है। ये बदलता भारत है जो लगातार आगे अपने कदम बढ़ा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ अपने ताकत अब सबको दिखा रहा है बल्कि बता रहा है कि भारत में कितना दम है। देखिए, बड़ी बात यह है कि आज हम जब एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं, जब भारत आज हर क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है, वहां पर इस नए संसद के जरिए भी एक वही आप मान लीजिए कि लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है जिसको छूटा कर पाना किसी के बस की बात नहीं। तो आप समझ लीजिए, चाहे आप इस लोकतंत्र के नए मंदिर की जब बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति की साफ तौर पर झलक नजर आती है। देखिए, दोनों सदन को आप जब देखते हैं तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी, हमारे राष्ट्रीय फूल, दोनों की जब हम बात करते हैं तो जरा देखिए वो रंग आपको नजर आएंगे। जैसा आप देखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और यहाँ पर जो उसका थीम है वो आप देखिए, वो आपको लोकसभा की थीम नजर आएगी जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसकी वो मोर वाली जो थीम है, वो कलर जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरीके से मोर का पंख होता है, वही डिजाइन, वही थीम आपको हूबहू नजर आएगी। वैसे देखिए, जब आप राज्यसभा सदन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, देखिए उसका जो रंग है कमल का, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, तो वो केसरिया रंग आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप हमारे अशोक स्तंभ को देखिए तो आप वो भी जान लीजिए। देखिए, तो आप कई तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अब देखिए, सेंगोल की स्थापना आज होगी 8:30 से 9 बजे के बीच में, पूरे रीति रिवाज के साथ में, पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में सेंगोल की स्थापना होगी। और देखिए, राजदंड अर्थ होता है उसका, संसद भवन में उद्घाटन के साथ में इसको स्थापित किया जाएगा, पूरे रीति रिवाज के साथ में, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में, स्पीकर की कुर्सी के पास में इसको रखा जाएगा। और सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर दरअसल इसको देखा जाता है कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो ये राजदंड दिया जाता है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है ये सेंगोल। और आज इस सेंगोल की स्थापना होगी, जो सेंगोल लगातार इधर से उधर घूम रहा था, आज देखा जाए तो उसको पूर्ण रूप से सम्मान मिलेगा। चोल साम्राज्य से ये परंपरा चली आ रही है और देखिए तब से आप गदानुमा ये छड़ी जिसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है, बड़ी बात यह इस पर नंदी विराजमान है। और देखिए, नंदी, आप जानते हैं कि नंदी जी और शिव का क्या कनेक्शन है। 14 अगस्त 1947 जब देश को आजादी मिल रही थी उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल यह सत्ता के तौर पर सौंपा गया था कि साहब ये अब आपके आपका भूल के आपको इसकी सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। तमिल शब्द में जो सेम्मई है उस सेम्मई से इसको लिया गया है। तो देखिए, सेंगोल को आप जान लीजिए क्या है, लगातार आप जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। सेंगोल का अर्थ होता है नीति प्राणता, तो आप जरा जान लीजिए इसका मतलब क्या है। साफ तौर पर इसका दूसरा अर्थ जो होता है वो संपदा से संपन्न भी होता है। चांदी के सेंगोल पर इस सोने की परत चढ़ी हुई है जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में इसको ढूंढा गया, महीने लगे इसको ढूंढने में, चांदी के सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है जो अपने आप में बेहद शानदार लगता है। और ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं लगातार। सेंगोल पर सबसे ऊपर नंदी विराजमान है जिसका हमने जिक्र भी किया। सेंगोल की जो लंबाई वो करीब 5 फीट की है। देखिए, आप देख भी रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से पीएम मोदी को इसे सौंपा गया। 1947 के बाद प्रयागराज के आनंद भवन में इसको रखा गया था। इसे ढूंढने में भी काफी वक्त लगा, महीने लग गए। 1960 में इलाहाबाद संग्रहालय में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और आप देखिए, इसको जैसा हमने कहा कि इसको उचित सम्मान अब मिलने जा रहे हैं। 75वें शंकराचार्य ने किताब में इस बात का जिक्र भी किया है, सेंगोल का जिक्र भी किया है, इसका शब्द कहां से है इस बात का जिक्र भी किया है। 1.5 साल पहले पीएम मोदी को बताया गया